नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गोविंद गोपाल में फिर से एक बार। दोस्तों आज कोई सेटअप नहीं, कोई टेबल नहीं, कोई चेयर नहीं, आज हम आपको खबर बताएंगे ऐसे ही चलते चलते, क्योंकि नीचे कुछ काम हो रहा है जिसकी वजह से साउंड प्रॉब्लम हो रही है और वहाँ बैठ के हम वीडियो नहीं बना पाएंगे, इसलिए हम छत पर आए हैं, क्योंकि आपको खबर देना ही बहुत ज़रूरी थी। आज हम व्लॉगिंग की तरह ही आपको खबर बता देते हैं, क्योंकि शायद आप हमारे दूसरे चैनल व्लॉग विद गोपाल को देखते होंगे, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे देखें, उस पर जाएं, क्लिक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो वॉच करके उसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो सच्चाबित खबर में हम आपको बताना चाहेंगे कि जिला अलीगढ़ में इगलास ब्लॉक में मैरिज होम, एक गेस्ट हाउस है, वहाँ पर हमारे महोदय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, उप मुख्यमंत्री जी, आमंत्रित हुए थे, एक प्रोग्राम में शामिल हुए थे। तो वहाँ पर ही जिला अलीगढ़ के शिक्षा मित्र संगठन, जो जितेन साय जी का है, आदर्श समाजिक शिक्षक शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन, उसके जिलाध्यक्ष और उनके पदाधिकारी हैं, उनके साथ उनके पास गए, उन्हें ज्ञापन दिया। ज्ञापन में शिक्षा मित्रों की समस्याओं को लेके कुछ बात भी हुई, जिस पर उन्होंने पूर्ण सहमति दिखाई है कि आपका कार्य चल रहा है और आपका कार्य जल्दी ही अब शीघ्र पूरे होना जा रहा है। मांग पत्र में वही था, शिक्षा मित्रों की समस्याएं जो अब तक सभी मांग पत्रों में आपने देखी हैं, स्थायीकरण की मांग की गई थी और महिला और पुरुष शिक्षा मित्रों के स्थानांतरण की बात की गई। तो ये सब मांग पत्र आप पढ़ चुके हैं, कई बार हम आपको उसको बार बार क्या बताएं, लेकिन उप मुख्यमंत्री जी ने पूर्ण विश्वास दिलाया कि अब आपकी समस्याओं का अंत होने जा रहा है। इसी को लेकर हम आपको बताएं कि अभी एक संदेश प्राप्त हुआ कि महानिदेशक बेसिक शिक्षा ने अपनी रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंप दी है, और आपको पता ही था एक कमेटी बनी थी, सभी से मांग पत्र मांग के चर्चा परिचर्चा हुई और उन्होंने उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट बना के माननीय मुख्यमंत्री के पास भेज दी है, शासन के पास भेज दी है, उस पर लगेगी मोहर, फिर होगी घोषणा और घोषणा में शिक्षा मित्रों को क्या मिलता है ये समय आने पर ही पता चलेगा। अभी हम आपको क्या बताएं, लेकिन आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक अभी कर दीजिए। और इसके बाद जो खबरें हैं वो बेसिक शिक्षा से जुड़ी हुई हैं, तो हम आपको वो भी बता देते हैं। DBT के माध्यम से अभिभावकों के खाते में पैसा पहुँच चुका है, 1100 रुपये प्रति छात्र अभिभावकों के खाते में पैसे पहुँच चुके हैं, लेकिन उनको क्रय करने के, यानी कि जो इस पैसे से स्वेटर, जूते, मोजे खरीदने हैं, बैग खरीदने हैं, वो खरीदने की जिम्मेदारी अब प्रधानाध्यापक और शिक्षक को दे दी गई है, यानी कि इन दोनों की ड्यूटी है कि अभिभावकों ने एक सप्ताह के अंदर ये सामान खरीदा है नहीं खरीदा इसकी पुष्टि करें, और अभिभावकों को बुला के मीटिंग कराई जाएगी और उस मीटिंग में सबसे लिखवा लिया जाएगा कि हमने सामान खरीद लिया है। और इसके अतिरिक्त बेसिक शिक्षा की खबर में एक खबर और है, वो है कि आपको पता ही है BLO काम तेज़ी से चल रहा है, पुनर्मतदाता का काम शुरू हो गया है, जिसकी वजह से 4 बूथ लगे हैं, 2 संडे को लगे हैं, 2 सैटरडे को लगे हैं, और 7 तारीख का संडे का बूथ था, अब सैटरडे को है, 13 तारीख को, फिर जो है 21 को है संडे को, फिर 27 को है सैटरडे को। 27 का बूथ इसलिए भी है क्योंकि 28 तारीख का UPTET का एग्ज़ाम है, तो उसमें टीचर्स की ज़रूरत होती है, तो ड्यूटी लगेगी, इसलिए उसको पीछे हटा के जो है 27 को कर दिया है। तो कुल मिला के ये है कि 2 संडे 2 सैटरडे मिल रहे हैं। और बात जो हमें बतानी है वो ये कि शिक्षक मानदेय कर्मी नहीं, शिक्षक अपनी इन दो ड्यूटी जो संडे में वो कर रहे हैं इसके लिए प्रतिकर अवकाश ले सकते हैं। कुछ जिलों में जिला बेस शिक्षा अधिकारियों ने इसके आदेश निर्गत कर दिए थे, जिसकी वजह से उनको ये जो एक दिन एक्स्ट्रा जो संडे में काम कर रहे हैं टीचर, उसके बदले वो प्रतिकर अवकाश ले सकते हैं, लेकिन ये प्रतिकर अवकाश जिस दिन उन्होंने ड्यूटी की है उससे 1 महीने तक ले सकते हैं, यानी कि जिस तारीख में है उससे अगले महीने की 1 तारीख जो आएगी उसमें वो ले सकते हैं, उसके बाद वो प्रतिकर अवकाश का दावा नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपके ज़िले में ऐसा ऑर्डर निकला है तो आप उसका लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों बेसिक शिक्षा और शिक्षा में से जुड़ी अपडेट यही थी, हम आपको बैठ के खबर नहीं सुना पाए इसलिए हमारी सांस भी फूल रही है और हाथ भी थक रहा है कैमरा पकड़ते पकड़ते। तो प्लीज़ वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे दूसरे चैनल ब्लॉग विद गोपाल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
और आप चिंता न कीजिए, हम तभी वीडियो बनाएंगे जब हमारे पास सही खबर होगी, क्योंकि हमारा उद्देश्य आपको खबर देना है, ना कि पैसा कमाना। तो हमारे चैनल पर बने रहिए। आज की वीडियो में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।